काफी दिन बाद जब मौसम ने थोड़ी सी ही इजाजत दी और मौसम थोड़ा सा ही बेहतर हुआ तो हम निकल पड़े फूड टूर के लिए। आज हम जा रहे हैं सादगाबाद और सादगाबाद में देखेंगे कि वहाँ पे क्या स्ट्रीट फूड अवेलेबल है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा सा फिरेंगे, थोड़ी सी मौज मस्ती करेंगे। तो हम हैं महमूद अली सिद्दीकी, जायके और तजस्सुस के सफर में आपके मेज़बान। खुश आमदी। ये क्या भाई साहब? अच्छा, ये है दाल माश। अच्छी लग रही है, थोड़ी सी ड्राई है, शायद ये फ्राई करके देते होंगे। ये चावल हैं हलीम और दाल के साथ वाले, चने के साथ भी चल सकते हैं। अच्छा, ये इनकी हलीम, चिकन हलीम है। अच्छा लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं इसको। और ये है भाई के चने। सलामुअलैकुम भाई, क्या नाम है भाई आपका? क्या क्या होता है आपके पास, जरा बता दें एक दफा। चावल। अच्छा, किसी ने बताया था कि ये घर का खाना होता है, तो घर का बना होता है? हमारा घर के पक के आता है घर से। अच्छा, घर से का बन के आता है। चुप भाई। वाह जी वाह, बिस्मिल्लाह। ये आ गई है हलीम और अच्छे साइज की प्लेट है, और इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है ये कैरामलाइज्ड ऑनियन है, फ्राइड ऑनियन, और ये काफ़ी क्रिस्पी वाली है, वो नहीं है जो नरम नरम होती है। और इसके ऊपर डला हुआ है हरी मिर्च डली हुई है। ये चिकन हलीम है। बहुत ज़्यादा। नॉर्मली मैं जब कहीं भी हलीम खाता हूँ तो मैं उसके ऊपर अपना चाट मसाला, हर एक अपना फेवरेट पर्सनल टेस्ट होता है, मैं चाट मसाला थोड़ा छिड़कता हूँ ताकि वो थोड़ा सा स्पाइस एक क्रिएट हो जाए। ये हलीम वो है जिसके आपको ऊपर, इसके नीचे, इसके पहले, इसके बाद में कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 100% कम्प्लीट। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतना मज़ेदार होगा। यार हमने खाना खाया है, हमने सिर्फ टेस्ट करना है। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? सॉरी, एलिश। एलिश क्या चेक करें अपने हिसाब से डालना भाई, जो क्या जो बेस्ट है। ये वाली वो फायर वाली यही है। ये मत करना, फुल ऑफ फायर। ताज़ा डालूँ बहुत थोड़ी, एक 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 थोड़ी नहीं, मैं साइड बता रहा हूँ। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक, ये तो जला के रख देगी। सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? क्या नाम है आपका? हबीबुल्ला। हबीबुल्ला, क्या क्या होता है आपके पास? प्राइस और प्राइस है समोसे। ये समोसे कौन से वाले हैं? आलू वाला। आलू वाला है। अच्छा, और वो भी बनाते हो गया, आप अफगानी बर्गर बना रहे हो? क्रिस्पी है काफी, मजेदार। यहाँ एक मिल्क की बड़ी अच्छी शॉप है, वो देख रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रही किस जगह पे है। तो ये मजीद के जो चने पाए निहारी हैं, ये मिलते हैं नॉर्मली रमज़ान में, और ये बड़ा अच्छा इनका फ्लेवर होता है, बड़ी दूर से आते हैं लोग खाने के लिए। तो ये अभी तो इस टाइम इनके पास नहीं होते, क्योंकि हम इस टाइम आए हैं और इस टाइम तकरीबन 5 बजे असर का वक्त है, और इस टाइम तो ये बिल्कुल नहीं होंगे, तो किसी और दिन इंशाल्लाह ये ट्राई करेंगे। तो चलो जहाँ से हमने पहली वीडियो अपने स्टार्ट की थी, ये वाला, और इट वाज अ ग्लोरियस वन, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। इस पर सीज़न नहीं है इसलिए यहाँ पे थोड़ा
कुछ और चीज़ें बेच रहे होते हैं चपली कबाब वगैरह, इस चीज़ के पास नहीं होती, लेकिन ये सीज़न में बहुत कमाल किया हमने। ये चीज़ें तो बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन बरसात है इसलिए, बरसात है नहीं एक्चुअली, शुरू होने वाली है, लेकिन जो सैलड होती है और दही होती है उनको उनका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। हमने जो मोमोज की चटनी खाई थी ना, उसकी वजह से हमें कुछ और खाने का हो नहीं रहा है, अब हम किसी मशरूम की तलाश में हैं। मुझे लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा ठूंस लिया है। वो जैसे वो करते ना कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दाल खाई है, अब एक मुर्गा खाना चाहते हैं जो अंदर जाके सारी दाल खा जाए। खा जाए, लेकिन वो मुर्गा मिल नहीं रहा है अभी फिलहाल। तो अब जितनी आग लगी हुई है मोमो की चटनी से, कोई पीने की चीज होनी चाहिए जिससे वो जाके आग बुझ जाए। वो भी कोई दूध की बनी हुई, हमारे मैदे में से छुस छुस की आवाजें आएंगी। दूध की बनी हुई हो ये, जिस टाइम हम आए हैं इस टाइम हमने सिर्फ एक ऐसा था कि हमने कुछ खाया हुआ तो था, लेकिन हमारा थोड़ी बदनीयत ही थी जिसकी वजह से हमें आना पड़ा यहाँ पे, और हम कुछ ना कुछ खाने के लिए, हालांकि प्रॉपर खाने का टाइम नहीं है, सफ़र टाइम है, तो इस वक्त ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स आपको बंद मिलते हैं या वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, वो तैयार नहीं होते उस वक्त, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ नहीं नज़र आ रही इस वक्त फ़िलहाल, तो हम इसको देखते हैं। अब हमें कोई चाहिए पीने की चीज़ जहाँ जाकर हम कुछ रिफ्रेश कर सकें अपने आप को। ये इसी तरह से ये बड़े मज़ेदार देसी खीरे हैं, क्योंकि जो मार्केट में मिलते हैं वो ग्रीन और बिल्कुल सीधे सीधे वो हाइब्रिड होते हैं, ये देसी होते हैं, थोड़े से येलोइश ग्रीनिश ब्राउनिश, और इसमें इतनी ज़्यादा शेप नहीं इतनी अच्छी होती जैसे ये शेप है इसकी, तो ये देसी वाला खीरा है। तो हमें नज़र आ गई है गन्ने के रस की दुकान, और अब हम जाके वो ट्राई करते हैं। इसकी टिप ये है कि आपने कभी भी उनके जो अपने मग्स और ग्लासेस होते हैं उनको यूज़ नहीं करना, क्योंकि हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए ये तरियाज होता है, और ये सबसे ज़्यादा वो यहाँ पे आते हैं। तो ये अभी हम कोशिश करेंगे डिस्पोजेबल ग्लासेस अगर मिल जाए इनके पास। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, क्या नाम है भाई आपका? शहाब। सॉरी, शहाब। शहाब भाई, किस तरह दे रहे हैं गन्ने का जूस? 100 रुपये का छोटा है, बड़ा 100 रुपये का छोटा ग्लास है, बड़ा 150। अच्छा, वो कितना छोटा, कितना छोटा और बड़ा कितना बड़ा है? ये बड़ा ग्लास है, बड़ा ग्लास है, छोटा अदर बड़ा होता है। अच्छा, छोटा वो चमची जितना है, कितना बड़ा है? अच्छा, ये हमें जो है ना आपने डिस्पोजेबल ग्लासेस में देना है, डिस्पोजेबल बड़े हैं आपने पास? चले, गन्ने के और उसके साथ जब लींबू निचोड़ा जाता है तो बड़ी फ्रेश खुशबू आती है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसमें क्या है, बोटियाँ? हंस क्यों रहे यार, गन्ने की भी तो हड्डी बोटी होती होगी। ठंडा है ना ये, क्या काला नमक? अरे वाह, अब कॉम्बिनेशन बनेगा सही। कैप्स सब आ जाएंगे। मैंगल लगाया है हमारी तरफ, तो 80 रुपये का। तो हमारी तरफ गन्ना सस्ता होगा ना? हमारी तरफ बहुत ज़्यादा गन्ना। तो गन्ना यहाँ ट्रैवल करके जब आता है उसकी फ्रेट भी लग जाती है ना, पिंडी में तो प्रोड्यूस नहीं होता। गन्ना ट्रैवल करके आता है उसका रेट बढ़ जाता है, ये ट्रैवल करके आता है इसका रेट कम हो जाता है। ये तो मजीद जितना घर से दूर होता जाता है घटिया होता चला जाता है, इसकी वैल्यू गिरती रहती है। वो देखो साले बात फोन कर रहा है जिसने अभी
तकरीबन ये दो वीक के अंदर अंदर 1600-1700 किलोमीटर सफर किया। कौन से मार्ग में? कराची से जो हो गया है और आते ही गालियां पड़ रही है। ये कराची से हो गया है, नहीं इसे कराची वालों ने निकाल दिया है। और कराची से लेके क्या आया है? निम्को बढ़िया बढ़िया निम्को लाए थे हम। जो निम्को करार लेके आया उसके बारे में क्या कह रहा था तू? क्या कह रहा था ये? ये कह रहा था कि निम्को में ना बढ़िया बढ़िया लेग पीस डलवाना। भाई भाई कोई शर्म नहीं आई कि कराची क्या है, कराची से लेके क्या आया है निम्को? कुछ डाल कर भाई। क्या बोल रहा है मुझे? निम्को खत्म हो जाएंगे तो उसकी ग्रेवी मिलेगी। किस तरह कह रही? 200 रुपए पाओ। ये ग्राटो है और उसके सामने ये है चाचा जी चाट वाले। यहाँ कहीं लड़ाई नहीं हो रही, ये चाचा जी चाट वाले हैं जो चाट बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है, खैरियत से? ये मशहूर तरीन चाचा चाट वाले हैं। ये मरी रोड पर गराटो के सामने सिर्फ 2-3 घंटे के लिए अपनी रेडी लेकर आते हैं और उसी 2-3 घंटे में एक लोगों का हजूम होता है जो ये चाट खाना चाहता है। लोग लाइनें लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, आपने, मैं भी देख रहा था आपने लाइन में लग के ये लिए प्लेट। जी जी काफ़ी। तो इसमें क्या स्पेशल ऐसा है कि आप वेट कर रहे हैं लाइन में? सर मेरा तो फर्स्ट टाइम है, काफ़ी रश देख के हम आए थे। अच्छा, तो ये है कि हमारा फर्स्ट टाइम है, टेस्ट करते हैं आप। चलें टेस्ट करके मुझे आप न्यूट्रल रिव्यू देता हूँ मैं आपका। आज मैं खुद नहीं रिव्यू दूंगा, आपसे दिलवाता हूँ। अच्छा ठीक है, ये है कि चटनी जो चाचा की है वो काफ़ी मजे की है। हाँ इसमें ये आलू है और ये समझ लें कि पापड़ी चाट, बाकी चीज़ तो वही है जो हर कोई बना सकता है, घर में भी बना सकते हैं। ये कि चाचा की जो है ना वो चटनी बड़ी मुश्किल है। चले अपना नाम भी बता दें भाई। राजा सर नाम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ आप लाइन में खड़े हैं चाचा जी के पास, तो ऐसी क्या खास बात है? सबसे ज्यादा डिफरेंट है चाचू की, जरा आप खा के टेस्ट करें आपको खुद क्या नाम रहेगा नजर आएगा। यार मुझे काफी अर्से बाद ये नजर आए हैं, लेकिन अभी मैं इतना ज्यादा फुल हो के आया हूँ कि मुझे अब इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि मैं थोड़ी सी चख लूँ, वरना मैं खुद चखता खुद रिव्यू देता, इसलिए मैंने सोचा न्यूट्रल रिव्यू देता हूँ। तो आप कैसे, कैसा एक्सपीरियंस है आपका इनसे सर? हमारा जब भी इधर से चाट खाते हैं हमारे इधर साथ ही घर है, बिल्कुल चाचू के पास ही आते हैं। और वैसे भी मरी रोड पे और भी बहुत सारी जगह हैं, पर इधर खाली आप देख लीजिए, इधर स्पेशल लाइन है और सब चीज़ों से डिफरेंट है। अच्छा, बड़ी ये और भी दुकानें हैं पर एक ने एक छोटा सा चाचू ने खोला खोला है, पर फिर भी बोला सही बात है। तो आप इसको 1-10 तक कितनी रेटिंग देंगे? 10 से ऊपर होती तो वो भी दे देता, तो 10 ऑफ 10। अच्छा जबरदस्त, चले थैंक यू। थैंक यू